स्वागत है, वेलकम ऑल। आ गए हैं सारे, आ जाओ पतंग लेके, अपने ही रंग लेके। गाना वाना गा के शुरू किया जाए। आसमा का सामियाना आज हमें है लगाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा, स्वागत करते हैं हम आप सभी का आज के अपने इस एपिसोड में और मैथमेटिक्स की श्रृंखला में जो नियमित चल रही है आपके सामने, गणित की श्रृंखला, जिसमें हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको पढ़ाएंगे परसेंटेज। फाइनली थोड़ा टेक्निकल कम है तो एक दो बार इशू हो जाता है उसको शुरू करने में, तो मैं 4-5 मिनट डिले हो गया मैं जानता हूँ, फिर भी आ गए हैं समय से। जितने लोग आ गए हो सबका स्वागत है। और कौन कौन आ गया भाई, अब कमेंट पढ़े जाएं। श्याम चतुर्वेदी, सचिन भरद्वाज भैया राम राम, 9:51 पर वेलकम। श्याम चतुर्वेदी, दीपक तोमर, प्रिया सिंह, रिंकी मिश्रा, अंजू यादव, रूपाली तिवारी, और श्याम खुश रहिए, और बरखा सोनी, श्याम स्वागत स्वागत सबका। जितने लोग आ गए हैं सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है अपने। सबसे पहले एक काम कर दीजिए, जितने लोग आ गए हैं वो लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद अपने अपने मित्रों में, बैचेस में, ग्रुप्स में जाके शेयर कर दीजिए कि मास्टर साहब की क्लास शुरू हो गई है, सब लोग आ जाएं जल्दी से, ठीक है। तो बच्चा मैथ्स लाइव 10:45 पर, गुड मॉर्निंग, ये एवरी डे 10:45 चलेगा। इधर खाली आपकी 11 बहुत जल्दी आए सर, मतलब ये कमेंट है अनीता की, मतलब कॉम्प्लीमेंट है। अरे थोड़ा देर हो गया आने में, 10:45 कहते हैं, 4-5 मिनट तनिक सेटिंग वेटिंग बनाने में गड़बड़ हो गई तुम सब, तो यार मौका चूकते ही एकदम, हाँ मौका देख चौका मार देते हो भाई। हमारा हो गई 1-2 मिनट का डिले, एक्सेप्टेबल। चलिए तो बच्चा परसेंटेज में पढ़ा रहा हूँ, और कल हम लोगों ने जो परसेंटेज पढ़ा था हम आज उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, उसको और आगे रंग दिखाएंगे, ढंग दिखाएंगे। तो ये बता हो रहा है, अरे राम, 1 मिनट यार, ये उसके आगे कट्टम लगा है तो वो शो नहीं कर रही है, देखो जिन पे कट्टम लगा है वो नहीं कर रहा है, वो तुरंत ही खत्म कर दे रहा है, देखो है ये हुआ एंड स्लो, शो ही नहीं कर रहा है। 1 मिनट बच्चा थोड़ा, अच्छा हाँ नहीं शो हो रहा है, हमें नहीं शो हो रहा है, गजब बच्चा, तनिक हम तकनीकी समस्या का सामना कर रहे हैं। आगरा से कौन कौन है भैया, आगरा वाले खबर दे दो, स्टूडेंट्स को सो रहा है, हमें नहीं सो रहा है। ये हिंद सो बता दे रहा है, हाँ कैमरा अच्छे से सच, अब आ गया। अरे हद है बच्चा, ये 1 मिनट, हाँ 2-4 मिनट इंतजार कर ले, ये कुछ टेक्निकल मिस्टेक है, ये क्या करना पड़ेगा, कुछ हटाना वटाना पड़ेगा। नहीं देखो पहले स्लाइड है उस पर कुछ नहीं बना है, और जो दूसरी स्लाइड है उस पर ऐसे कट्टम का निशान बना हुआ है, तो इसका मतलब ये शो नहीं हो रही है, यहाँ तो दिखा रहा है, और जैसे हम इसको स्लाइड शो पर लगा रहे हैं ये दिखाया, आगे बढ़ेंगे तो ख़त्म कर देगा। नहीं नहीं आ गया आ गया आ गया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हाँ बहुत शुक्रिया। हमें लगता है एक एक स्लाइड जा जाके ओपन करनी पड़ेगी, ये देखो ये तुरंत बंद कर दे रहा है बच्चा। एक दिक्कत ये हो रही है कि स्लाइड जो मैं ओपन कर रहा हूँ वो हो नहीं रही है, बस ये इशू है। छोड़ो कोई नहीं, यहीं से शुरू करते हैं। जितना आ रहा है उतने से शुरू कर लेते हैं, बाकी हरी इच्छा ईश्वर इच्छा, यहीं से शुरू करते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। जितने लोग आ गए हैं सबसे निवेदन करता हूँ एक बार जरा वो लाइक कर दीजिएगा,
और करते हैं मुद्दे की बात शुरू। कल हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ा और परसेंटेज में एक ढंग सीखा गया। कौन सा ढंग सीखा गया कि सब ओरल परसेंटेज कैसे निकाला जाए, मतलब सवाल ऐसे देख लिया जाए और परसेंट निकाल लिया जाए। तो हम लोगों ने कल गजब गजब सवाल किए भी। यूं ही एक सवाल पूछ करके शुरू करने का मन है। अगर हम आपसे कहें कि बताइए 180 का 17.5% क्या होगा, तो कल हम लोगों ने इसको ओरल तोड़ना सीखा था। याद है आपको कि जब भी कोई डिजिट आएगी तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, सोचेंगे कि 17.5 क्या है। तो दिमाग में आया कि 17.5 10% अलग है, 5% अलग है, 2.5% अलग है। अब अगर ये कैलकुलेशन हमारी खोपड़ी में चल जाए। अच्छा, ये पहले आपका परिचय करवा देता हूँ बच्चा। कल के लेक्चर में मैंने परसेंटेज के ओरल कंसेप्ट सिखाए थे, आज उसके आगे बढ़ूंगा। आज और कल मिला के बेसिक्स होगा कि आप इन सब तरीकों का उपयोग करेंगे। कल हमने इसको देखते ही बताया था करना, तो 18, 9, 27 और 4, 31 31.5। उत्तर कितना होगा 31.5? जैसे दीपक ने जवाब लिख दिया, क्या ऐसे सब लोग लिख पाने में सक्षम है? जैसे दीपक ने जवाब लिख दिया, क्या ऐसे ही सब लोग लिख पाने में सक्षम है? यदि हाँ तो कमेंट में जवाब दें, मुझे खुशी होगी। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, खाली सोचना था कि 180 लिखा हुआ है, उसका 10% कितना होता है जी? 18 होगा। 5% कितना होगा? 9 होगा। और 2.5% कितना होगा? 9 का आधा 4.5, जोड़ दीजिए 18, 9, 27, 4, 31, 31.5 आंसर। अब अगर यही तुमसे सवाल कितने भी ढंग से घुमा के पूछ ले, क्या फर्क पड़ता है, देख करके बात समझ में आ जाएगी। तो ये वाला कंसेप्ट मैंने कल बताया था ओरल कैलकुलेशन का। ओरल कैलकुलेशन का कंसेप्ट क्या बताया था? ये भी बताया था कि अगर कोई पूछ ले कि जी 120 का 11% कितना होगा, तो हम दिमाग में सोचेंगे विदाउट कैलकुलेटिंग, क्या 120 का 10% जी 12, और 1% कितना होगा 1.2, यानी कि 13.2 आंसर। अच्छा अच्छा, एक मिनट, जिन्होंने कल क्लास नहीं की है उनसे निवेदन करूंगा कि कल मैंने यही पढ़ाया, खाली ओरल कैलकुलेट करना सिखाया है। डिजिट सामने आ जाए हम ओरली बता देंगे। आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे 240 रुपए का 15% ब्याज दर से 2 वर्ष का SI, ये सब कुछ कल सिखाया था। कल का लेक्चर आप रिपीट कर लीजिएगा, आज इसके अगले स्टेप पर सिखाऊंगा। ये वाला भी बड़ा गजब है, क्योंकि कल का रिपीट करेंगे तो लंबा चला जाएगा। और बच्चा लाइव क्लास चलेगी पर डे 10:45 से, कोई भी दिन मिस नहीं करना है। अगले दिन अगला कॉन्सेप्ट चलेगा, पिछला नहीं चलेगा, लेकिन बस बता दे रहा हूं। ओरली पहले बताओ 240 का 15% कितना होगा, जस्ट कैलकुलेट 240 का 15% कितना होगा। तो पता चला कि 240 का 10% 24, 5% 12, 36, कितना रुपया होगा 36, 15% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 36 × 72, खत्म आंसर। दिस सेंस, हाँ ये पैदा कर लीजिए तो मजा आ जाएगा। तो बच्चा ये सेटअप मैंने कल के लेक्चर में पढ़ाया था, आप सबों से निवेदन करता हूं यदि आपने नहीं देखा है तो कल का लेक्चर देख लीजिएगा। अब आगे आज और जादूगरी सिखाने जा रहे हैं, लेकिन जादूगरी सिखाने से पहले एक बार जरा, हाँ रिकॉर्डेड मिलेगा राहुल, सब रिकॉर्डेड मिलेगा। एक जादूगरी अगली दिखाने से पहले एक बार जरा उसकी बात कर लेते हैं। देखो परसेंटेज को सॉल्व करने के अलग अलग टीचर्स ने क्या किए, तरीके बनाए। उनने कहा ये मेरा तरीका, किसी ने कहा ये मेरा तरीका। भैया ये गणित में किसी का कोई तरीका ही नहीं होता है, बात समझ गए? किसी का पढ़ने का नहीं, बच्चा श्याम चतुर्वेदी बताओ नहीं, कल वाला लेक्चर देख लेना, पूरा 1.5 घंटा पढ़ाया है। किसी टीचर का कोई तरीका नहीं होता, ये सब मूर्ख बनाते हैं कि मेरा तरीका है। गणित में कोई अपना तरीका पैदा कर सकता है? भास्कराचार्य हो है? ये सब अलग अलग कंसेप्ट हैं, एक में महारत हासिल कर लेते हैं फिर बताते जी मेरा, और मेरा वेरा कुछ नहीं होता। हम क्या करते हैं, तुम सारे कंसेप्ट देख लो, सबका उपयोग करो जो तुमको बेहतर लगे। तो एक कंसेप्ट है जो मैं बताने जा रहा हूं। हाँ भैया सब लोग लाइक कर दीजिएगा। एक कंसेप्ट आपने फ्रैक्शन रटी है, तो आइए रट लेते हैं थोड़ी, हम भी रट लेते हैं, हमारा भी अधिकार है कि थोड़े फ्रैक्शन रट लिए जाए। सब नहीं रटेंगे, थोड़े से रटेंगे। जैसे एक माने 100% होता है, ठीक, तो एक माने 100% होता है, आधा माने क्या होगा 50% होता है, 1/3 माने क्या होता है 33, सही 1/3% होता है,
अच्छा गुरु जी, 2/3 का होता है ये, 66 से ही 2/3% होता है, ये कुछ आपने रटा है। ये बनाया कैसे जाता है मैं अभी बता दूंगा, आप किसी भी फ्रैक्शन को खट से कन्वर्ट कर लेंगे बिना किसी गुरुजी का रट्टा मारे, ये भी समझ लीजिएगा, ये भी सिखा दूंगा। लेकिन कुछ बातें आपको याद रहनी चाहिए, कुछ जरूरी बातें, कुछ अच्छी बातें तो ये काम आती हैं। जैसे 1/4 कितना होता है, 25% होता है, 3/4 कितना होता है, 75% होता है, ठीक। अच्छा 1/6 कितना होता है, 1/6 कमेंट करके बताइए। अच्छा ये लिख कहाँ पाओगे कमेंट में, तो 16 से ही 2/3% होता है, 16 से ही 2/3% होता है। 1/8 क्या होता है, 12.5% होता है, और 1/10 क्या होता है, 10% होता है। बच्चा रटने वाले तो बहुत रटते हैं, बहुत रटते हैं, हम आपसे कहेंगे तुम सब न करना बच्चा, इतनी डिजिट याद कर लेना फ्रैक्शन में, तो ओरल कॉन्सेप्ट के अलावा ये भी बड़ा काम का होगा। जैसे अगर कोई तुमसे कहे 36 का 25% निकालो, तो 25% सोचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 20 और 10 10 20 5 25 ओरल में करना पड़ेगा। और अगर हम जानते हैं 25% 1/4 है, तो 36 का सीधे 1/4 कर देंगे, हो जाएगा, समझ रहे। लेकिन कब, हर जगह नहीं होगा, हर जगह थोड़े हो जाएगा। अब 85% का अलग रटे, 45% का अलग रटे, ये सब मत करिए। उसके लिए मैंने जो कल तरीके सिखाए हैं उनको सीख लीजिएगा, रिकॉर्डेड मैटर सब दे रखा है, अभी मैं लिंक भी दे दूंगा, आप देख सकते हैं, तो रिकॉर्डेड मैटर मैंने दे दिया, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अरे इकरा, ये अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, अगर आपने कभी ABCD में गणित पढ़ी है तो ये वाली चीजें रटी होंगी, मैंने पढ़ाया कुछ नहीं, मैं बता रहा हूं, अभी तक मैंने आज का लेक्चर स्टार्ट नहीं किया है, कल का रिवीजन बताया जो 1 घंटा पढ़ाया है, आप देखिएगा समझ में आ जाएगा। आज कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू रट लीजिए, आपको याद है इन, बस इतनी याद कर लीजिएगा, ये निवेदन किया। और अब सिखाने जा रहे हैं अपना जादू जी, ये जो सिखाने जा रहा हूं बच्चा, ये परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का, SICI का जादू है, अगर ये समझ में आ जाए तो जलवा बुलंद है एकदम, ऐसे चुटकी चुटकी बजा करके आप परसेंटेज निकालिएगा, एक तो ओरल वाला और दूसरा ये तरीका। तो दूसरा तरीका स्टार्ट करते हैं, बहुत गजब तरीका, मतलब आप तुमको जादू करके दिखाऊंगा, और देखिएगा अगर कोई तुमसे कहता है, एकदम दिमाग को ब्लैंक कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए, इसको सादा कर दीजिए, ऐसे 10 बार हाथ फेरिए, मानिए कि सब खाली हो गया है, अब जो जाएगा वो सिर्फ किसका जाएगा जी, अमरनाथ का जाएगा, बस। तो शांति से, शांत मन से जो कह रहा हूं इसको देखिए, 10 मिनट हमें दीजिएगा, इसके बाद आपसे जादू करवाऊंगा। अगर कोई तुमसे कहता है कि चलिए किसी चीज का 40% निकालिए, 80% निकालिए, अच्छा फिर से बता रहा हूँ, कल का लेक्चर जो लिया और जो अभी तक बताया, ये आपके ओरल कैलकुलेशन है, लेकिन जब मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, पता चला 1 बार 10%, अगले बार 20%, 1 बार 40%, 3-3, 4-4 बार लगातार निकालना पड़े तो ओरल नहीं हो पाएगा, वहाँ पर आपको लिखने वाली गणित सीखनी पड़ेगी। तो अब तक हमने मन गणित बताई कल के लेक्चर में, अब लिखने वाली गणित सीखिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ भैया एक्स का 40% निकालो, लेट एक्स का, भैया किसी को एक्स से एलर्जी तो नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गणित में एक्स लिखा देख लेते हैं तो उनको अपनी एक्स याद आ जाती है, भाई साहब इतना दर्द नहीं है, एक्स माने कुछ भी, एक इमेजिनरी वैल्यू, जस्ट टू गिव यू कंसेप्ट आई हैव रिटन एक्स, ये कोई फार्मूला नहीं बताने जा रहा हूं, ठीक है। कई सारे टीचर तो सिर्फ इसी बात का, हाँ कई सारे टीचर सिर्फ इसी बात का तुर्रा बना लेते हैं कि मैं बिना एक्स के पढ़ाता हूं। दुनिया का कोई आदमी मैथमेटिक्स को विदाउट इमेजिनेशन नहीं पढ़ा सकता है, तुम इस इमेजिनेशन के लिए भाई एक्स लिखो या न लिखो हमारी भला से, मैं कुछ समझाने जा रहा हूँ, एक जादू वाले कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ। एक्स का 40% आपको निकालना है, तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं एक्स गुणे 40/100, यही ना करते हैं, यह गजब तरीका है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मैं इसको बोलता हूँ, यही ना करते हैं। अच्छा तो आप एक काम करिए कि इसको काटिए वाटिए नहीं, इसको हाँ फ्रैक्शन मत बनाइए, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, डेसिमल, इसका दशमलव बना दीजिए, 40/100 क्या हो जाएगा, बताइए।
अगर मुझे किसी चीज का 40% निकालना है तो असल में क्या करना है? 0.4 से गुणा करना है, बताइए, सोचिए। अगर हमें x का 40% निकालना है तो असल में 0.4 का गुणा ही तो करना है या कुछ और करना है? नहीं मां, सब 0.4 का गुणा करना है। अच्छा, तो कुछ बातें और पूछ लेता हूं तुमसे। तो अगर मैं आपसे कहूं कोई 2/5 नहीं, जितेंद्र मत रटो, मत रटो, 2/5 रटने की जरूरत नहीं। बस मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मुझे 40% निकालना है तो मैं 0.4 का मल्टीप्लिकेशन बोल सकता हूं? हाँ बोल सकता हूं। अब आओ 2/5 भूल जाओ, जादू देखो। हम आपसे कहे 80 का, 40% बताओ, 80 का 40% बताओ। अब कौन जाए वहां 2/5 बनावे? गुरुजी ओरल भी कौन करे? ये क्या लिखा है, 80 × 0.4, 1.10 खा गया, कहो 8 × 4 = 32 हो गया, हो गया। कोई कहे 120 का 40% बताओ, तो 40% माने 0.4 का गुणा 12 × 4 = 48 हो गया, हो गया। अच्छा गुरुजी, कोई आपसे कहे कि 135 का 40% बताओ, कल जो सिखाया है दैट वाज ओरल, आज जो सिखा रहा हूं लिखने वाली गणित सिखा रहा हूं, लिखने वाली, जादू आ जाएगा, उंगलियां ऐसे झर झर भागेंगी, खाली सुनना। इसके माने क्या करना है, 135 × 0.4 ही तो करना है। अब आप जानते हैं 0.4 एक दशमलव लगाएगा, तो 13.5 का 4 से गुणा कर दीजिए, तो 13 × 4 = 52 और 2 = 54 हो गया। कोई कठिन है भाई? आप जानते हैं कि 135 का 4.4 से गुणा करना, ये दशमलव यहां आ जाएगा, ये बना देगा 13.5 और इसमें कर दीजिए 4 का गुणा। अब कौन 4 से पहाड़ा पड़े? नहीं, गुणा सिखाऊं, गुणा सिखाऊं, देखो ये एक कंप्यूटर जितनी लाल काला कर दीजिए इसको, करिए करिए करिए, ये काला कर लेते हैं। देखो हमको पता है 13.5 में 4 से गुणा करना था, तो हमने ये नहीं किया कि 4×5 = 20 का 0 हासिल आया, 2×4 = 12, 2×14 = 4 हासिल, नरक करे हो यार। ऐसे सोचो 13.5 माने क्या, 13.5 माने क्या, 13 किलो और आधा किलो अलग से, 4 रुपये में खरीदना है, तो पहले कहो 13×4 = 52, 13 रुपये में, जैसे 13.5 लिखा है तो 13 का 4 से अलग गुणा कर लो 13×4 = 52, अब आधा किलो का अलग गुणा कर लो 4 से तो कितना 2, तो ये आ जाएगा 52 और 2 = 54। इसको दूसरे ढंग से समझिएगा, आप बाजार गए और आपने पूछा भैया आलू वाले आलू कै रुपये, तो उसने कहा 13.5 रुपये, या सब छोड़ो, आपने कहा भैया आलू वाले आलू कै रुपये, तो उसने कहा 4 रुपया प्रति केजी। आलू की कीमत कितनी, 4 रुपया प्रति केजी। तब आपने उससे क्या कहा, ये भैया सुनो 13.5 किलो आलू दे दो, कितना दे दो 13.5 किलो, तो क्या सब्जी वाला तुम्हारी तरह कागज कलम चलाएगा? पहले वो 13 रुपये में मान लेगा आलू, कि मान लो गुरुजी 13 रुपये में आलू लाते तो 4 किलो कितना, सॉरी 13 किलो आलू लाते तो 4 रुपये में कितना लाते, तो 13×4 = 52 रुपये का, अब आधा किलो आलू का अलग से दाम जोड़ लीजिए 2 रुपया 52 और 2 = 54। ये एक दिन में नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, मैं सिखा ले जाऊंगा, लेकिन ये बच्चा ना किया करो का कहीं 4×5 = 20 का 0 हाँ सिलाया, 2×4 = 12, 2×14 = 4, 4×1 = 4, 5 = 1 अभी नहीं आएगा बुढ़ा, 2-4, 6 दिन में 10 दिन में अभ्यास करते करते सिखा दूंगा। और सुनो, कोई बहुत भौकाली चैप्टर का नाम नहीं डालेंगे, आइए इधर से आलू डालिए उधर सोना निकालिए, 2 मिनट में जादूगरी सिखा दूं, ऐसा मेरी थंबनेल पर कुछ नहीं लिखा रहेगा। बच्चा अनअकैडमी बैच नहीं बना सकते, वहां हिंदी पढ़ा ले बहुत है, ऐसा कोई थंबनेल नहीं लिखूंगा, सिंपल चलेगा, परसेंटेज 1, 2, 3, 4 आते चले जाओ, कोई जादू भरी थंबनेल नहीं पाओगे कि कोई बढ़िया एकदम एकदम ऐसे कोई दिव्य सुंदरी खड़ी हो और कहे आइए अमरनाथ सर गणित पढ़ाते हैं,
ऐसी वाली कोई थंबलाइन ना मिलने वाली है। आओ पढ़ो, ज्ञान लेना चाहते हो तो चले आना। तो बताओ ये 54 कहने में कोई हर्ज है क्या? 13.5 चौके 52, तो ये क्या करेंगे, 13 चौक 52 और धन्नी क्या कर देंगे, 54 हो जाएगा। यानी कि जब भी आपको किसी का 40% निकालना है तो माने क्या करना है, 0.4 का गुणा करना है। अच्छा गुरुजी, अगर हमको यही एक 100 या किसी भी चीज का x का, ये इधर हमको दिख नहीं रहा होगा, पीछे आ गया होगा, अगर मां साहब x का 80% निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो माने 0.8 का गुणा करना पड़ेगा। अच्छा बताओ, कमेंट करना, x का 80% निकालना है तो 0.8 का गुणा, अच्छा किसी का 70% निकालना है तो 0.7 का गुणा, 40% निकालना है 0.4 का गुणा, 30% निकालना है 0.3 का गुणा, 20% निकालना है 0.2 का गुणा, 10% निकालना है 0.1 का गुणा। अच्छा क्या ये कोई ट्रिक है, क्या ये कोई तरीका है, कोई जादूगरी? नहीं भाई, वही जो तुम करते हो, बचपन से करते आए हो, 40% निकालने के लिए बूढ़े 40/100 करते हो, वही कह रहा हूं, ये वही है, बस देखने का नजरिया बदल गया। नजर बदल जाए तो बात बदल जाती है, नजरिया बदल रहा है और कुछ नहीं बदल रहे। तो अब बताओ, अगर हमको किसी भी चीज का, अब बताओ ओरल बताना, ऐसे कलम कलम उठाओ और बता दो, ए कंट्रोल पी, देखो ए हम तुमसे कहें बताओ 180 का 3% 30%, बताओ आंसर दो, आंसर 180 का 30% आंसर दो, धड़ से जवाब दो, धड़ से। थोड़ा हमारे आपके बीच में समय का अंतराल रहता है, धड़ से जवाब दो 180 का 30%, देखो मार दो 54, जय हो। और लोग और लोग और लोग और लोग मार दो 54। हाँ श्याम याद है, नजर नजर से हाले दिल का पता चलता है। कोई पेन चलानी पड़ी, कोई काला जादू अमरनाथ ने डाला, नहीं डाला ना, तुमसे हो रहा है ना, गणित मेरी नहीं है तुम्हारी, ले जा भाई, तुम ले नहीं नहीं चाहते, हम का मालूम हो गया का, धड़ होगा देखो ना। इसके माने क्या है, इसके माने है 180 × 0.3, 1.10 खा जाएगा उत्तर, 18 × 3 = 54 लिख दिया। अगर हमसे कहा जाए सुनो 150 का 70% निकाल के दिखाओ, तो हमें मालूम है हमारी खोपड़ी कह रही है, चीख चीख के कह रही है कि 150 में 0.7 का गुणा करना पड़ेगा, 1.10 खा जाएगा, खा जाएगा 15 × 7 = 105, सीधे सीधे लिख देंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं लगानी है। गुरु जी 150 तो बड़ा सरल है, थोड़ी टेढ़ी डिजिट दीजिए ना, थोड़ी टेढ़ी डिजिट दे, ये लो। अगर हमने तुमसे कहा अच्छा भैया किसका बना दीजिए, 85 का 70% निकाल के दिखाइए, 85 का 30% निकाल के दिखाइए, 85 का 30% निकाल के दिखाइए, तो हमें मालूम है ये क्या लिखा है। हाँ धड़ से सही हो रहा है, बस बस बस। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं 85 का 0.3 से गुणा करना है, तो 0.5 बाद में, 0.5 देख के डरा ना करो, 0.5 बाद में कहो, वैसे तो हम सीधे कर लेंगे, 8 × 3 = 24 = 25 = 25, हमको ऐसे दिखता है। अरे बहुत तरीके हैं राहुल, अभी दिखा देते हैं, टेबल है टेबल याद करवा देंगे, हमको दिखता है। हमने जानते हो क्या देखा, ये 0.5 लगा है यहाँ, मन की आंखों से देखा, 8 × 3 = 24 अलग और 5 × 3 = 15 डेढ़ अलग 25 = 25। ये जो मन की आंखें है ना, बहुत जादूगरी वाली आंखें हैं, मन की आंखें, आप गुणा कर लीजिए, 3 × 5 = 15 का 5 हासिल आया, 1 × 3 = 24 = 25 और उसके बाद 0.5 लगा दिया, आपकी मर्जी है ये कर लीजिए। लेकिन अगर आप हमारी आंखों से देखना चाहिएगा तो मजा आ जाएगा, 8.5 का अगर मुझे 3 से गुणा करना हो तो मैं ओरल गुणा करता हूँ, 8 × 3 = 24 और 18 × 3 = 1.5 = 24 = 25 = 25। समझ गई ना कि ना, समझ में आया ना, आया। तो मतलब किसी भी चीज का 120 का 140 का 170 का 180 का 182 का 148 का किसी का भी 30%, 40%, 50%, 60%, 70% निकालना होगा तो क्या करिएगा, क्या करिएगा? अरे मां साहब 0.4 का 0.5 का 0.7 का 0.6 का 0.9 का गुणा कर देंगे, कोई डाउट है? नहीं। अच्छा ये तो बहुत सरल सरल खेल रहे हैं गुरु जी, आप तनिक ई बताइए,
क्या बताइए, आप बताइए, अगर हमको हमको 80 का 70% निकालना हो तब बताइए। तेरी 80 का 70% खोपड़िया लगाना सीखो खोपड़िया, क्या करना है। 70% माने बटे 100 करोगे, नहीं आया। एकरा फिर से ध्यान से देखना, पहले ये देख लो, बस इतना बताओ, किसी भी चीज का 10% माने, अभी इसको हम बता देते हैं, टेढ़ी डिजिट अभी बताता हूं, अरे अरे टेंशन ना लो, एक दिन में थोड़ा आ जाएगी, हम बता रहे हैं, बैठो बैठो। देखो ये सुनो, पहले बताओ किसी भी चीज का 10% माने, गुड़े 0.1 ना, एक्स गुड़े 0.1, 20% माने, गुड़े 0.2 ना, 30% माने, गुड़े 0.3 ना, ये समझने में कोई डाउट है, 40% माने, गुड़े 0.4 ना। अब फिर से समझो, मां साहब ये बनाते कैसे हैं, ये बात खोपड़ी में रख लेना कि मां साहब ये बनाते कैसे हैं, ऐसे बनाते हैं सिंपली, एक्स गुड़े 30/100 कन्वर्ट इनटू डेसिमल, यही जादू है। ये कितना हो जाएगा, अपने मन से एक्स गुड़े 0.3 हो जाएगा। अच्छा गुरु जी, एक्स का अगर हमको क्या निकालना है जी, 75% निकालना है, तो हम एक्स गुड़े 0.75 समझ लेंगे। अगर मां साहब हमको एक्स का 63% निकालना है तो हम एक्स गुड़े 0.63 समझ लेंगे। कहो ऐसा सोचने में कोई दिक्कत है क्या, एनी डाउट, नहीं ना। तो ये बात हम समझाना चाहते, ये समझ में आ गई। अब अगर कोई तुमसे कहे अच्छा 80 का 77% निकाल के दिखाओ, 77% निकाल के दिखाओ, तो बच्चा 77% माने क्या होगा, 80 गुड़े 0.77, यही तो है, खेल खत्म, पैसा आजम, ये दिमाग में चलेगा, लिखना नहीं है। कहो जीरो लगा के 8 × 56 = 6, 8 × 56 = 5, 8 × 56 = 5, 61, और क्या कर दे, 2 अंक पे दशमलव लगा दे, आंसर 61.6 हो गया। मेक कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस पैदा करिए, भीतर से सोचिए, एक दिन में नहीं आएगा, 2 दिन में आएगा, 10 दिन में आएगा, लेकिन जिस दिन यह आ जाएगा उस दिन परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस में भी जादू करिएगा, और प्रॉफिट लॉस के बाद SICI में भी जादू करिएगा, पक्का करिएगा। आइए अभी और मैं 6.16 नहीं होगा बच्चा ना, हाँ हाँ राहुल ये देखो ना, वो ये जीरो कहाँ खा जाओगे, ये जीरो भी तो बचा रहेगा, 61.6 आएगा। अच्छा एक चीज और, बच्चा ओरल मैं भी अभी भी कर सकता हूँ, ओरल भी हो सकता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं, पहले बेसिक समझ लो। एक साथ 2-3 बातें लेके चलूंगा तो हो सकता है आपकी खोपड़ी तो नहीं कंफ्यूज हो जाए। पहले परसेंटेज एक बार लगाएंगे बुढ़ा के ओरल तरीके, 2-3 दिन लगातार अभ्यास करवा देंगे, जो बाप से हमने अपने सीखा है, जो अपने बाबा से सीखा है मैथमेटिक्स, वो वाली गणित के 2-3 लेक्चर लगा देंगे, व्यवहार गणित 1, व्यवहार गणित 2, व्यवहार गणित 3। और एक काम करेंगे, कल ही से लगा लेंगे, परसेंटेज इतना सीख लो ये ओरल वाला, फिर लगा देंगे व्यवहार गणित 1, व्यवहार गणित 2, व्यवहार गणित 3, एकदम उंगलियों पर सिखा देंगे। ऐसे 315 में 14 का गुणा करना है तो बिना कलम चलाए कर ले जाओगे, पक्का। हमारे बाप कर लेते हैं, हमारे बाबा कर लेते थे, हम कर लेते हैं, हम तुमको सिखा देंगे, विरासत वाली गणित है हमारी, मास्टर वाली गणित नहीं, विरासत वाली गणित सीखिएगा। सुनो अगला कंसेप्ट सीखिएगा, कंप्यूटर जी इरेजर का क्या होता होगा, क्या कंट्रोल ई होता होगा, नहीं, और कंट्रोल पी माने पेन। वाह 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 वाह, देखो तुमसे सबसे बच्चा 10:45 एवरी डे, 10:45 AM पर डे, प्रतिदिन चलेगा 10:45 क्लास, खाली 11, 12, 13, 14 छुट्टी मारेंगे, वो कहीं जाना है घूमने उमने। अगले स्टेप पर आ जाओ बच्चा, अभी तो जादू की शुरुआत हुई है, जादू की शुरुआत हुई है। ये बताइए सुनो, एक्स का 40% निकाल लिया। अच्छा अगर कोई तुमसे कहे एक्स का 140% निकालो,
तो इसमें भी कोई इशू आएगा क्या? कोई इशू नहीं आएगा गुरुजी, जो बचपन से सीखा है वो हम जानते हैं, आपकी नजर ले लेंगे तो इसको भी डेसिमल बना लेंगे। अच्छा बनाओ, एक्स गुड़े 140 बटे 100, यही ना बचपन से करते आए हो। मैं कोई शॉर्टकट नहीं सिखा रहा, जो तुम जानते हो उसी को देखने का नजरिया दे रहा हूं बस। हाँ ये बढ़िया है श्याम चतुर्वेदी, मतलब कहीं आवश्यक हो तो हम जाए ना, तुम हमको कोरोना से डराओगे है? देखो अच्छा एक बात बताओ, ये दो जीरो ये दो दशमलव यहां ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? ले जाएंगे। तो क्या मैं इसको 1.4 कह सकता हूं? क्या ऐसा कहने में कोई दिक्कत है? ऐसा कहने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अच्छा अब समझिएगा मैं ये क्यों कहलवाना चाहता हूं तुमसे। देखो मैं ये तुमसे क्यों कहलवाना चाहता हूं, क्योंकि हम तुमसे प्रॉफिट लॉस के सवाल ओरल करवाना चाहते हैं इसलिए करो, जनसंख्या के सवाल उंगलियों पे लाना चाहते हैं इसलिए करवाना चाहते हैं। सुनो ए, हम आपसे कहें एक्स में, एक्स के माने किसी में, 12 में 14 में 18 में 20 में 16 में 19 में, एक्स में 40% की वृद्धि, अरे बच्चा हम पढ़ाए देंगे श्याम, काहे टेंशन ले रहे हो। आपसे हम कहें एक्स में 40% की वृद्धि, तो असल में आप क्या करते, आप क्या करते, आप इसमें करते एक्स प्लस एक्स का 40%, आप यही तो करते हैं, जो बचपन से करके आए हो उसी की बात कर रहा हूं, कुछ अलग से नहीं सिखा रहा हूं। एक्स प्लस एक्स का 40% यही करते ना। तो असल में आप क्या करते, आप इसको करते एक्स कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 40 बटे 100, ये यही तो लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है। अच्छा इसके माने एक्स गुड़े 140 बटे 100, यही तो लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। तो क्या हम इसको सीधे सीधे एक्स गुड़े 1.4 कह सकते हैं? ये बात जो आप करते हैं उसी को मैं ओरली समझाना चाहता हूं कि व्हेन यू इंक्रीज 40% इन समथिंग, तो असल में आप उसकी वैल्यू को उसका 140 बना देते हैं। जब तुम किसी चीज में 20% बढ़ाते हो तो 100% माने 100 तो हम हैं ही, और अगर तुम 20% बढ़ा रहे हो तो हम क्या हो जाते हैं, 120 हो जाते हैं। अगर हम किसी चीज में 80% बढ़ा दें तो असल में हम 180 हो जाते हैं। अगर हम 90% बढ़ा दें तो हम 190 हो जाते हैं। और अगर हम किसी चीज को 190, 140, 130 कह सकते हैं, और हमको फ्रैक्शन में सवाल न करना हो तो हम उसका डेसिमल भी बना सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं, अब डेसिमल में जवाब दीजिएगा, यदि मैं आपसे कहूं एक्स में 40% की वृद्धि, तो आप इसको एक्स इंटू 1.4 बोल सकते हैं? हाँ। अगर मैं कहूं एक्स में 30% की वृद्धि, तो क्या आप इसको एक्स गुड़े 1.3 बोल सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूं एक्स में 20% वृद्धि, इंक्रीमेंट, वृद्धि माने इंक्रीमेंट, तो आप सीधे एक्स गुड़े 1.2 कह सकते हैं। अगर हम कहें एक्स में 40% वृद्धि 1.4, 70% वृद्धि 1.7, बच्चा स्वागत, अरे आशीष पाठक सर आइए आइए, वेलकम वेलकम। ये जो अभी आपके कमेंट में आशीष पाठक जी दिखे, हमारे परम मित्र हैं और इकोनॉमिक्स की गजब फैकल्टी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सर, क्लास में लाइव क्लास में आए, आपका शुक्रिया। तो देखिए 20% की वृद्धि माने एक्स गुड़े 1.2, 40% वृद्धि माने एक्स गुड़े 1.4, 70% माने 1.7, ऐसा कहने में कोई डाउट नहीं? तो अच्छा एक लगे हाथ और चीज देख लें, तब आगे कंटिन्यू करते हैं।
एक लगे हाथ और चीज देख ले, कमी वृद्धि हम समझ लेते हैं तो दोनों एक साथ की जाएगी। एक चीज और देख ले, अगर अगर मैं कहूं x में 40% की कमी, 40% की कमी, 40% की कमी अगर हम ऐसा बोले तो क्या होगा बताओ। देखिए असल में जब मैं परसेंटेज कहता हूं तो कोई भी वैल्यू कंप्लीट में क्या होती है, 100%। अगर मेरे पास 5 रुपया है, आप 5 रुपया ले लें तो क्या माना जाएगा, आपने हमारा 100% ले लिया। आपके पास 2 रुपया है, हमारा 2 रुपया ले लें। अरे सर गणित पढ़ाने का मतलब आप समझ लीजिए, मैं क्या बताऊं, तमाम सारे दिन से, हाँ बच्चा पौने ग्यारह से शुरू हुई, बहुत दिन से बच्चे बोल रहे थे गणित पढ़ाइए, अब मैंने कल से जब पढ़ाना शुरू किया तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बिछड़ी मोहब्बत मिल गई कसम से, हाँ मतलब एकदम गायब हो गई थी 2 बरस में, ऐसा लगता था कि जैसे बहुत दिन से मिले ही नहीं है, बड़ा गजब फील आ रहा है। 4 बच्चे हमें पढ़ने तो भी पढ़ाऊंगा, मजा आ रहा है कसम से, मैं 2 साल से इस मजे से मरहूम था, ऑफलाइन कोचिंगें बंद होकर के सब नरक करवा चुकी थी। आइए तो अब समझिएगा, एक बात और समझिएगा, तो अगर 40% कमी कर दें तो आई एम एग्जैक्टली 100%, और अगर हम 40 कम हो गए तो कितने बचे, 60 बचे। तो अगर कोई कहता है एक्स में 40% कम, तो आप क्या करते हैं, एक्स माइनस एक्स का 40%, यही तो करते हैं, यही तो करते हैं, यानी कि एक्स कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस 40/100, यानी कि एक्स गुड़े 60/100। ये बात मैं बिना लिखे आपसे जानना चाहता हूं कि आपको मालूम होनी चाहिए। व्हेन आई से 40% लेस तो हम कितने बचे, 60%। सुनो, अगर मैं आपसे कहता हूं 40% लेस तो हम क्या हो गए, 60%। अगर मैं कहता हूं 30% कम, हम हो गए 70%। हम आपसे कहते हैं 20% कम, हम हो गए 80%। हम आपसे कहते हैं 10% कम, हम हो गए 90%। ऐसा कहने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। और जैसे ही हमने जाना 40 कम माने 60, तो असल में जब तुमसे कोई कहे कि x में 40% की कमी कर दो तो आपको क्या करना होगा, 0.6 का गुणा करना होगा। अगर मैं आपसे कहूं x में 30% की कमी कर दो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0.7 का गुणा करना पड़ेगा। हमने कहा 120 में, अच्छा ये तो हमारे पीछे आ जाएगा, अच्छा ठीक। अब एक कैलकुलेशन देखिएगा, हमने कहा 120 में 30% कमी, कमी 120 में 30% कमी, तो ये जादू देखो जादू, 120 गुड़े 30 की कमी माने गुरुजी 70 बचे, और 70 माने 0.7 का गुड़ा, खेल खत्म, 12 × 7 = 84 आंसर। कहाँ गए अब मां साहब, हम गए बाजार, बाजार बाजार माने शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल में सर हमने देखी एक जीन्स की कीमत लिखी थी, अरे सौम्या हम समझ गए, हाँ बस यही तो मैं बता रहा हूं कि आप x का 60 निकाल रहे थे, अब मन निकालिए 0.6 करिए। एक बड़ा गजब गाना है बॉलीवुड का, नजर नजर से हाले दिल का पता चलता है, मैथमेटिक्स माने नजर, और जिसकी नजर काम कर गई उसको मोहब्बत हो गई, तो मैथमेटिक्स माने मोहब्बत भी होती है, तो जरा समझिएगा। हाँ अगला खेल समझिएगा, आप गए, अब देखो शॉपिंग मॉल में ये तुम्हारी गणित कैसे काम आने वाली है, 1400 रुपये जीन्स की वैल्यू लिखी है, जीन्स की कीमत कितनी पड़ी है 1400 रुपये, इस पर चल रहा है फ्लैट 60% ऑफ। तो अब अगर आज के बाद तुमने मोबाइल निकाला तो पाप लगेगा, पाप है, फ्लैट 60% ऑफ, और तुमको मालूम है 60 कम करे माने हम कितने बचेंगे, कितने बचेंगे 40, 40 माने 0.4 का गुणा, 14 × 56 560 की है जीन्स, खत्म। कोई कठिन होती है गणित, तुमने
और तुम्हारे मास्टरों ने मिलकर के गणित को कठिन बनाया है कि तुम उनका एक बार कोर्स देखो, फिर तुम्हारा मन न भरे तब तुम दोबारा कोर्स देखो, फिर मन न भरे तब तिबारा देखो, और जिंदगी भर गुरुजी का कोर्स लेते रहो लेते रहो लेते रहो। बात समझ रहे हैं? क्लियर हुआ? अब अगर बाजार में खड़े हैं और आपको पता चल रहा है, बाजार में नहीं खड़े हैं, आपका बिजली का बिल आया 1500 का, नहीं 1500 नहीं 800 का, ज्यादा हो जाएगा, आपका बिजली का बिल आया 800 का, और आपको बताया गया देखिए आपको 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्या दे? जिंदगी में काम आएगी गणित? मैं परीक्षा में नंबर तो फ्री में दिला देगी, पहले जिंदगी में काम आएगी। देखो 800 का बिजली का बिल आया, उनने कहा कि भैया आपने बहुत डिले जमा किया है, आपके ऊपर 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो जैसे ही आप 10% एक्स्ट्रा देंगे, माने आपको बिल कितने का देना पड़ेगा? वैल्यू का 110% देना पड़ेगा। जब घटाते हैं तो 0.6 बनाया, और अगर 10% इंक्रीज कर गया तो माने वैल्यू कितनी हो गई? 10% का इंक्रीमेंट माने वैल्यू कितनी हो गई? 110% हो गई। 110% हो गई माने 1.1 हो गई, और 11/8 क्या होगा? 88 होगा। 880 रुपए का बिल देना पड़ेगा। अच्छा कविता, वाह वाह क्या बात है। अच्छा बहुत सारे पुराने अलग अलग छात्र देख रहे होंगे, आप सबकी मोहब्बत। बताओ कोई गणित कठिन है? बिल्कुल कठिन नहीं, तुम सब बनाए हो जबरदस्ती कठिन। तो आप जरा एक बार फिर से इस वाली बात को देखो, 110 माने 1.1 और 1.1 माने 11/8 88, 880 लिख दिया, खेला खत्म। अच्छा अब जरा समझियो फिर से एक बार इस पूरे खेल को, दोबारा बताता हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे और ओरल ओरल जवाब करेंगे। किसी भी चीज का 40% 50% 60% 70% निकालना, तो जान लेना अमरनाथ ने कोई जादूगरी नहीं सिखाई है, जो तुमने बचपन से किया है उसी को डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखा दिया है, बस कुछ भी हमारा नहीं बच्चा, ये नजर का है, बस दिख गया है, हम तुमको बताए दे रहे हैं, करते तुम यही थे, बस अब जरा नए ढंग से कर लेना। अच्छा तो इसका मतलब 40% 50% 70% निकालना, 40/100 50/100 70/100 करना, और जब वो 100/100 हो जाता है तो हम उसका डेसिमल लगा के 40% को 0.4, 70% को 0.7, 80% को 0.8, 95% को 0.95, 55% को 0.55 बना सकते हैं। अगर किसी चीज में 10% की 40% की 20% की वृद्धि हो जाए, तो असल में 10% बढ़ना माने 110, 20% बढ़ना माने 120, 40% बढ़ना माने 140 हो जाता है। इसका भी अगर डेसिमल कन्वर्ट करें तो ये 1.4 हो जाता है। अच्छा किसी चीज में 40% की कमी करनी हो तो 100 में 40 कम 60, किसी में 30 की कमी करनी हो 100 में 30 कम 70, और जैसे ये 60 30 70 बनेगा, मेक इट सिंपल डेसिमल, और जैसे ये डेसिमल बनेगा चुटकी बजाओ, आंसर सामने खड़ा। बात समझ में आई? अब अगर समझ गए हो तो आओ हमारे प्रश्नों के उत्तर दो, ओरली बता दो, सामने तुम्हारे है, हम थोड़ा रुके रहेंगे, हाँ क्योंकि आपका जवाब आ जाए हम सुनेंगे, प्रयास करेंगे कि हम सुने, तो आप ओरल बताते चले जाए, देखते जाइए, बस खट 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 बताते चलेंगे। और सुनो, अगर हमारी क्लास में हम कोई बात किसी को कहें या कोई बात कोई कहे तो एक दूसरे से बतियाइए मत, हम जो पढ़ा दें वो उतने कमेंट मानो, ज्यादा ज्यादा कमेंट ना करो। बच्चों वाला खेल, 80 × 1.2 96 आंसर ले। समझ गए? अगला सवाल, 120 का 80%, फिर से उत्तर बताओ, 120 का 80%, बोले 0.8, 12/8 96, फिर से लो 96। अब तो जादू है गुरुजी, कौन करेगा नरक। अच्छा एक 80% रटने वाले बताओ, 180 तुमको लिखना पड़ेगा, ओ 80% का फ्रैक्शन रटने वालों, लाल किताब वालों, तुम लिखोगे 4/5, फिर 5 से काटोगे
24, फिर कहोगे 24 चौके 96, ये मूर्खता हमको ना आती है, मालूम है 80% माने 0.8, कहो 12 8 96 उत्तर मिल जाएगा। बात समझ गए? कहो 12 8 96 नंबर, 4/5 3/5 7/5 9/5 नरक कर दिए जिंदगी, रटा रटा के फ्रैक्शन, खाली 4-5 जरूरी है जो मैंने शुरू में लिखवा दिए, 3/4 2/3 ये याद कर लो, पूरी दुनिया मत याद करो, बाकी सब डेसिमल से लगाओ। अगला सवाल देखो, 150 का 70%, अरे बच्चों वाला सवाल हो गया गुरु जी, इसमें कोई बात है क्या? देखो 150 7 15 70 105 आंसर। अभी बड़े सवाल की ओर ले चलते, कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो छोटा छोटा सवाल बता दे रहे गुरु जी, कठिन सवाल में आओ तो जाने, आओ 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 कठिन सवाल में आओ, लो कठिन सवाल। प्रॉफिट लॉस अभी नहीं पढ़ाया है, पढ़ाया परसेंटेज है, और देखो प्रॉफिट लॉस का सवाल इसे इसे चुटकी बजा के लगता है कि नहीं लगता है। एक जींस का क्रय मूल्य यानी उसका खरीद मूल्य 800 रुपया है, इसको बेचना है, कैसे बेचना है? 40% के प्रॉफिट पर बेचना है। तो हम जानते हैं कि जैसे ही आप 40% प्रॉफिट लेंगे, यानी आप 40% की क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, वृद्धि करेंगे। तो आप लिखिए ना 800, आप क्या करेंगे, 40% की वृद्धि करेंगे, 1.4 का गुणा कहिए 14 8 112, 10 लगा दीजिए आंसर, ऐसे टिक कर दीजिए, हो गया। कोई कठिन बात? बिल्कुल कठिन बात नहीं मां साहब, वो सीपी हो, वो एसपी हो, वो झमाका हो, वो फलाना हो, ऐसे कर लिया जाएगा, पहाड़ा पढ़ने आपको आना चाहिए। 14 8 112 हो गया, समझ रहे हैं ना? धीरे धीरे हाँ समझिए, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर यही जींस 842 की होती, 817 ले, मतलब ये तो 800 बड़ा सरल है, जींस की कीमत 850 करिए और लाभ कितना करवाइए, 20% करवाइए, और अब क्या करिए, अब एसपी बताइए। तो हमें मालूम है ये एसपी ओसपी सब कहाँ, एसपी सीपी दुनिया पड़ी रहती है, इसमें सब किनारे की बात है, बाजार में खड़े हो, कहीं सामान कितने 850 रुपये, फायदा कितना उठा रहे हैं जी, 120% का, माने हम अपनी वैल्यू का कितना हो जाएंगे, हाँ हम वैल्यू का कितना हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे, माने 0.2 का गुणा कर देंगे। तो अब एक बात बताओ, अच्छा 14 कैसे हुआ, इकरा ये बच्चा दशमलव इस जीरो को खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा बताओ, आयत सब छोड़ो, जब दशमलव और जीरो आवे तो दशमलव और जीरो भूल जाया करो, इकरा दशमलव जीरो, कल कल गुड़ा ही पढ़ाऊंगा, कल तुम सबको गुड़ा सिखाऊंगा गुड़ा, अच्छा चौ तो आप क्या करिए, भूल जाइए दशमलव और जीरो, पढ़िए 14 8 112 और ये 2 जीरो लगा लिया और 1.10 को खा जाएगा, तो बताओ 1120 ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, कोई खेला नहीं मास्टर। अच्छा तो 850 रुपये में 20% का फायदा उठाना है, क्या कर दें मास्टर, 1.2 का गुणा करवा दीजिए, तो ये 0.10 को खा जाएगा। कहो 12 पहाड़ा पढ़ो, 12 5 60 का जीरो हासिल आया 6, 12 8 96 और 6 तो 96 4 100 और 2 100 ले। वैसे करते 850 × 120/100, वो भी एसपी सीपी का लगाते, फार्मूला तब आता, बच्चा इस सब दुनियादारी किनारे हो जाएगी अगर गणित खोपड़िया में आ जाए तो। समझ में आया कि नहीं आया? 12 5 60 का जीरो हासिल आया 6, 1.10 को खा गया, मैंने पहले काट दिया, और 12 8 96 तो 96 और 6 तो 102 लिख दिया, हो गया 1020 आ गई कीमत। और बताओ, और कठिन करिए मास साहब, आओ करते हैं। एक टीवी का अंकित मूल्य माने जो दाम उसके ऊपर छपा हुआ है, सेलिंग प्राइस जो उसके ऊपर छपा हुआ है, मार्क प्राइस एमआरपी छपी हुई है, अच्छा कल 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 टेबल याद करवा देंगे राहुल बाबू, टेबल जानते हो हमको तो दुनिया की सब टेबल आती है, दुनिया की टेबल के माने जैसे तुम हमसे कहो गुरु जी 41 का पहाड़ा सुनाइए तो हम 4100 सुना देंगे,
पढ़ लो, 41 का पहाड़ा लिखा है ये, देखो 41 का पहाड़ा लिखा है ये, 41 से कम 41, 41 दूना 82, 41 किया 123, 41 चौके 164, 41 पंचे 205। आओ तुम कहो पहाड़क टेंशन पड़ी है, सब पहाड़ा सिखा देंगे बाद में, बाद में कल, कल सिखाएंगे कल, आज इसको देखो। तो 8000 कीमत है छपी हुई, और इस पर छूट कितनी देनी है, 60% की छूट देनी है, कितनी देनी है 60% की छूट देनी है, 0.4 का गुणा करवा दीजिए, 8×4 3200। ओ बच्चा कविता गड़बड़ा गई, 60 की छूट देनी थी, 60% की छूट देनी है माने 0.4 का गुणा कर दीजिए, 60 की छूट देनी है माने 0.4 का गुणा कर दीजिए, 8×4 3200। समझ रहे हैं, और कठिन करिए वहां साहब। अरे साहब इतना बड़ा सवाल सर, इतना बड़ा सवाल करिए। अच्छा इसको इसको अभी करवाते हैं, एक और बड़ा मजेदार सवाल लिखा हुआ है, बहुत कठिन सवाल है मासा। हाँ तो करिए, कैसे करेंगे, करिए कैसे करेंगे, 48000 ज्यादा है, इसको वो कर देते हैं, 4800 कर देते हैं, काहे तुम सब इतना गुणा करो। हाँ अरे यार एक मिनट, कहाँ थे जनसंख्या वाले सवाल, यह सवाल था, यही सवाल था ना, कठिन सवाल है, बिल्कुल कठिन है मास्टर साहब, कैसे करना पड़ेगा, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। एक 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 काम करते हैं, मैं इसका आंसर बता दूंगा, अभी कुछ सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बेसिक पढ़ने वाले हैं, इनको अगर हम अभी अभी पढ़ा देंगे तो वो थोड़ा डर जाएंगे। मैं अभी सवाल पर आता हूँ, पहले एक साधारण सवाल कर लेते हैं, इसी ये सिंपल दो चार सवालों से शुरू करते हैं, जनसंख्या वाले सवालों को यहां से शुरू करता हूं। लेट समझिएगा, सुनिए, एक गांव की जनसंख्या 8000, जनसंख्या 8000, और इसमें 20% की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई, तो क्या यह कोई कठिन कॉन्सेप्ट है? नहीं मां साहब, हम सीधे सीधे 8000 में 20% की वृद्धि करवा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 12×8=96। अच्छा सर एक काम करिए, जनसंख्या 8000, और पहले साल 10% वृद्धि, देखिए पहले सिंगल सिंगल देखिए, अगर 8000 की जनसंख्या है और 20% का इंक्रीमेंट करना है, तो असल में ये वही सेलिंग प्राइस वाला सवाल नहीं बन जा रहा है? है तो वही ना, अगर 20% की कमी करनी है तो ये वही सेलिंग प्राइस वाला सवाल नहीं बन जा रहा है, वही है। तो हमारे पास बस ये मालूम होना चाहिए, बढ़ाया तो इतना पॉइंट बढ़ा दिया, घटाया तो ये कर दिया, ये बात अगर हमको याद रहेगी तो सवाल लग जाएगा। तो अब थोड़ा कठिन सवाल करवा लेते हैं, जैसे पहला सवाल है, एक गांव की जनसंख्या 8000 है, पहले साल इसमें 20% की वृद्धि करनी है, इसके बाद पुनः इसमें 20% की वृद्धि करनी है, और उसके अगले साल इसमें 10% की कमी करनी है। आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, लेकिन गुणा करने में तो बड़ा टाइम लग जाएगा भाई, यही तो करना पड़ेगा, 8000 गुणे 1.2 गुणे 1.2 इंटू 0.9, गुणा करने में लंबा लग जाएगा। तो आपको एक सिंपल तरीका बताएं, दिस इज द वे, आंसर इससे आएगा,
लेकिन मैंने आपको कल वाले लेक्चर के दिन ओरल सिखाया था कि नहीं सिखाया था, और अगर आप वो ओरल जानना चाहते हैं तो आओ ध्यान से सुनना। पहले साल 20% बढ़ाना है तो बताओ 8000 का 20% कितना होगा, बताओ कमेंट करके बताओ। मैं इसको आपके माध्यम से करवाऊंगा, जल्दी जल्दी नहीं बोलूंगा। 8000 में सिर्फ इतना बताओ 8000 का 20% कितना होगा, यह तो ओरल निकाल लोगे। 8000 का 20% कितना होगा कमेंट करके जल्दी से बताओ। हाँ अमरिंदर बाबू मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दो, एक तरीका वो है, और एक तरीका जितने तरीके सीखे सबका उपयोग करिए, कमेंट करो जल्दी से। नहीं खाली 20% का इंक्रीमेंट बताओ 1600, तो एक काम करिए 20% माने 1600 इसमें जोड़ दीजिए, यह कितना हो गया 9600। एक साल की जनसंख्या आ गई, एक साल बाद की जनसंख्या आ गई, अच्छा अगले साल फिर कितना बढ़ाना है 20%, तो 960 का 20% कितना, 9600 का 20% अलग निकाल लो, 1920 या 1920 इसमें फिर जोड़ दो, 0 2 9 6 15 और 9 1 10 11 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, ये 20% इंक्रीमेंट कर दिया आपने, फिर से कर दिया, अब अगले साल क्या करना, 10% की कमी, तो 10% माने इसमें से 1152 कम कर दो, 10% कमी 1152 कम कर दो, 10 में से 2 गया 8, इधर 12 और इधर कितना 11 में से 5 गया 6, इधर 4 में से 1 गया 3, और 10368। बच्चा सब तरीके लगाने पड़ते हैं, ये वाला कंसेप्ट मैं कल से शुरू करूंगा, आज आपको जितना सिखाना था वो सिखा दिया है, कल इस पर अभ्यास करवाऊंगा। अभी आज का कंसेप्ट जो डेसिमल कन्वर्ट करना है सीखा उतना ही, लेकिन आप समझिएगा इस वाले मसले को जितना ओरल आप कर सकते हैं, जितना ओरल आप कर सकते हैं उतना करिएगा। तो जो तरीका आपको समझ में आए यूज दैट तरीका, आपको लगे ओरल में मजा है ओरल लगा दीजिए, आपको लगे डेसिमल में मजा है डेसिमल लगा दीजिए, आपको लगे फ्रैक्शन में मजा है फ्रैक्शन लगा दीजिए। सीख के सब रखो बाबा, किसी एक तरीके के चाकर मत बनो, किसी एक तरीके के नौकर मत बनो, और ये ओरल किया जा सकता है ओरल, ये सीखना आ जाए तो बच्चा ये जो सवाल बाकी बचे हैं कल से हम आपको जनसंख्या वाले प्रश्न ही पढ़ाना शुरू करेंगे। नहीं कल कैलकुलेशन, कल कैलकुलेशन के साथ जनसंख्या अगर मन करेगा तो पढ़ा देंगे, तो कल कैलकुलेशन और इसके बाद कंटिन्यूएशन में ले चलेंगे जनसंख्या वाले प्रश्न, क्योंकि गुणा भाग अगर तुम तेजी से जान पाओगे मजा तभी आएगा, तो इसको कंटिन्यूएशन में रखेंगे। और जो भी नए लोग जुड़ते जा रहे हैं वो पुराने लेक्चर देखते चले जाएं, तो एक बार आज का जो हमारा हासिल है वो हमको सिखा दीजिए, आज का जो हमारा हासिल है वो क्या है, आज जो हम लोगों ने सीखा वो जो सीखा वो बताइए, यह है हमारा आज का हासिल। पढ़ाते पढ़ाते घंटा कब बीत जाता पता नहीं चलता, हमने देखा 12:15 हुआ जा रहा है। बताइए एक बार फिर से, एक बार फिर से सोचिएगा, x का 40% 0.4, आज इसका अभ्यास करना है आपको, खाली इसी का अभ्यास करना है, 40% 0.4 का गुणा, 40% की वृद्धि 1.4 का गुणा, 40% की कमी 0.6 का गुणा, 70% की वृद्धि 1.7 का गुणा, 70% की कमी 0.3 का गुणा, इस बात को सोचिएगा। तो एक बार जरा मैं कुछ पूछता हूँ आप हमको बताते जाइएगा, बताओ जाते जाते एक बार अभ्यास करके जाओ, कमेंट तुम्हारे चाहिए हमें, बस जाते जाते कमेंट करके जाना। किसी चीज का 70% ये हो गया, तो चलिए बताइए 20% कमी किससे गुणा करें,
20% कमी किससे गुणा करें? आंसर 20% कमी किससे गुणा करें? 20% कमी किससे गुणा करें? आंसर पॉइंट एट किससे गुणा करें? पॉइंट एट, सामने देखिए 20% कमी 20% कमी किससे गुणा करें? पॉइंट एट। अच्छा 30% कमी या 40% कमी? 40% कमी किससे गुणा करें? 40% कमी किससे गुणा करें? पॉइंट सिक्स। साठ प्रतिशत वृद्धि किससे गुणा करें? 60% वृद्धि किससे गुणा करें? किसी भी चीज में 60% इंक्रीज करना हो किससे गुणा करें? 1.6। 60% वृद्धि 1.6 का गुणा, 70% वृद्धि 1.7 का गुणा, 80% वृद्धि 1.8 का गुणा, 82% वृद्धि 1.82 का गुणा। ये क्या बताया हमने? जो बताया, जो सिखाया, वो बस वही था जो आपने बटे 100 करना सीखा था। उसी आपके बटे सौ को हमने नॉर्मल खाली डेसिमल बनाना सिखा दिया है, कोई जादूगरी नहीं की है। तो बस जाते जाते मुस्कुरा करके एक कंसेप्ट बता दीजिए कि अगर मेरे पास 1200 रुपए की जीन्स है और ये मुझे 30% छूट पर मिल रही है तो मुझे कितने की मिलेगी, बस इतना बता दो। 1200 की जीन्स है, 30% के छूट पर कितने की मिलेगी? पेन मत चलाना, तुमको कसम है, ओरली बता दो, फिर जाओ। लाइक करके जाना, शेयर करना, दोस्तों में मित्रों में बता दो कि पर डे 10:45 पर, प्रतिदिन 10:45 पर। और अगर 10:45 पर क्लास नहीं करेंगे तो रिकॉर्डेड लेक्चर रोज 10:45 पर डाल देंगे। 4 लेक्चर बना लेंगे पहले से, 10:45 पर रिकॉर्डेड लेक्चर डाल देंगे। माने 10:45 पर आपको विद्या तरु खोल देना है। जय हो, वेरी गुड, जय हो। कहो गया है ना खोपड़िया में, गया। बस ऐसा सुकून मिलता है जब हम तुमसे ओरल कैलकुलेशन करवा ले जाते हैं, तो बहुत सुकून मिलता है। सुनो, 1200 × 0.7 यानी 1274। आज के एपिसोड को करते हैं यही खत्म, मिलते हैं। हाँ, प्लेलिस्ट बनाना पड़ेगा सैयद, हम बहुत जानते नहीं हैं, आज ये करना पड़ेगा कि इसकी प्लेलिस्ट बना दी। तो करते हैं आज के एपिसोड को यहीं ख़त्म, मिलते हैं अगले एपिसोड में हम। कल मिलेंगे 10:45 पर, देखना ना भूलें बम्पर शो मैथमेटिक्स लाइव @10:45 विद्या तरु पर। और ये हमारा चैनलवा का लोगो देखिए, विद्या, नाम याद कर लीजिए, विद्या तरु। आप सबको बच्चा प्रणाम। विद्या का बिरवा लगाया है हमने, हम चाहते हैं ये खूब विस्तृत हो, बहुत सारे लोग इसकी छांव पाएं। भगवान भोलेनाथ ने हमको जो दिया है वो सब हम तुमको दे दें। प्रियस त्रिपाठी, उसके आगे बढ़िए, कोई बात नहीं। आज का लेक्चर दोबारा देख लीजिएगा बच्चा। शेयर करो इसको, जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो, दूर दूर तक ले जाओ, शेयर करवाओ। तो आज का एपिसोड इतना ही, अगले एपिसोड में अगली कहानी, तब तक के ले जाइए, बाय बाय। रोज चलेगी 10:45, रोज चलेगी मैथ्स लाइव @10:45, रोज मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, लाइक करके जाइए और शेयर करके जाइए। ये एंड कैसे बताते हैं आप? बहुत धन्यवाद आप सब कमेंट में। ये तो लाइव कमेंट चल रहा है और एक चलता है वो वाला कमेंट, मतलब नॉर्मल कमेंट, जब ये क्लास ओवर कर दें तो उस क्लास में जा करके कमेंट करिए। ये लाइव कमेंट था, आप लोग लाइव कर रहे थे, जैसे ही लाइव ख़त्म हो जाएगा तो जो नॉर्मल कमेंट है इस वीडियो पर, मेरे पुराने वीडियोस पर जा करके आपको अच्छे लगते हो अच्छा लगना लिखिए, आपको जैसा समझ में आता है वो जरूर लिखिए। बढ़िया है, जरूर इकरा, बढ़िया। तो बच्चा शेयर करिए, लाइक करिए, और विद्या तरु आपका है,
ये विद्या तरु आपका है, वो सारी बातें जो हम अकेडमी पर नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक आदमी दो आत्माएं तो हो नहीं सकता। हम वहाँ मैथमेटिक्स पढ़ा ही नहीं सकते, हिंदी पढ़ा रहे हैं, संभव ही नहीं है कि हम वहाँ गणित हिंदी दोनों लेकर के चले, तो इसलिए गणित यहाँ मिलेगी। हमारे जीवन में अनअकैडमी पर पढ़ाने के अलावा जो कुछ भी है वो सब यहाँ मिलेगा। तुमको यहाँ कविताएँ मिलेंगी, हाँ तुमको यहाँ हमारे और कार्यक्रम मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा यहाँ, ये एकदम तुम्हारा घर है विद्या तरु। इसको पसंद करिए, दूर दूर तक ले जा करके सब्सक्राइब करवाइए, जिम्मेदारी आपको देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले में अगली कहानी, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।